Welcome to new crash course series literary criticism in this lesson we will talk about plato with the reference of republic

फॉर्मली लिटरेरी क्रिटिक्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो हम क्रिटिक लेंगे वो हमारा प्लेटो होंगे प्लेटो के बाद हम अरिस्टोटल की पोइटिक्स को डिफरेंट वीडियोस में कवर करेंगे इस लेसन में हम अरिस्टोटल ने जो अपनी बुक लिखी थी पोइटिक वो किस बना पर लिखी थी और उसका बैकग्राउंड क्या था उसके हवाले से हम प्लेटो को डिस्कस करते हैं प्लेटो कौन थे प्लेटो एक ग्रीक फ़िलासफ़र हैं जो कि एथेंस में पैदा हुए थे जिनका असल नाम अरिस्टोक्लिस था जिनको हम अरेबिक में अफलातून के नाम से जानते हैं प्लेटो का लिट्रेरी क्रिटिक होने का या लिटरेचर लिट्रे, में जो भी रोल है इनको हर हवाले से डिस्कस किया जाता है चाहे कि वो पॉलिटिकल साइंस हो या एजुकेशन हो या मैथमेटिक्स हो हमारे इल्म का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें प्लेटो को डिस्कस ना किया जाए या प्लेटो की जो फ़िलासफी है उसको ना पढ़ाया जाए प्लेटो सोकर्रेटिस के स्टूडेंट थे और इन्होंने सोक्रेटिस को अपनी राइटिंग में एज आ हीरो भी प्रोटेंट किया है यानी कि ये इनके डायलक्टिक सिस्टम को लेकर चले ये डायलॉग्स की फॉर्म में लिखा करते थे जैसे कि सॉक्रेटिस लिखा करते थे इनकी राइटिंग हमेशा दो लोगों के दरमियान एक डायलॉग हुआ करती थी हमारे पास प्लेटो के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है चाहे इनकी फ़िलासफ़ी हो इनकी एजुकेशन के बारे में हो इनके पोलिटिकल साइंस हो इनके मेटाफिज़िक के बारे में वो सब हमें डायलॉग्स के फॉर्म में मिलते हैं यानी कि हर एक राइटर का अलग लिखने का अंदाज होता है इसी तरह जो प्लेटो हैं वो डायलॉग्स की फॉर्म में लिखा करते थे प्लाटो जो हैं वो एथेंस से ताल्लुक़ रखते थे उस टाइम पर एथेंस एंड स्पाटा दो ऐसी स्टेट थी ग्रीक की जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट थी स्पाटा में जो भी लोग रहा करते थे वो एजुकेशन की बजाय वो ज़्यादा जंगजू थे उनके अंदर ये क्वालिटी थी कि उनके एरा में उनकी स्टेट में जो भी परवान चढ़ेगा जो भी लड़का यानी कि जो नया पैदा होगा न्यू बॉर्न बेबी उसके अंदर किसी भी जंग में लड़ने की कोई भी ऐसी नाकामी नाकामी ना, ना दिखाई दे इसी तरह वो जो भी कोई भी न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता था उसको आफ्टर एग्ज़ामिन अगर उसके अंदर कोई किसी भी किस्म का नुक्स है कोई भी फ़ॉल्ट है तो ये कहा जाता था कि जो वो न्यू बॉर्न बेबी होता था उसको पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता था कि ऐसे लोगों की हमारी स्टेट में कोई जगह नहीं है जो कि जंगजू ना हो और जिनके अंदर कोई भी फॉल्ट हो लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एथेंस में जो लोग थे वो एजुकेशनल थे वो एजुकेशन को ज़्यादा फॉलो करते थे वो फिल पढ़ते थे मैथमेटिक्स पढ़ते थे दुनिया के बारे में जानते थे कि दुनिया क्या है ये कैसे और कब क्यों बनी इस चीज़ को वो पढ़ते थे यहीं पर सबसे पहले प्लाटो ने एकेडमी स्टार्ट की थी जो एकेडमी आज हम जानते हैं वो प्लाटो ने ही फर्स्ट टाइम स्टार्ट की थी और इन्होंने ये अकेडमी का वर्ड एक ग्रीक हीरो हीरोडमस के नाम पे रखा था जिसको हम अकेडमी कहते हैं और हर वो जगह जहाँ पे तालीम दी जाती है या ली जाती है इसको अकेडमी के नाम से जाना जाता है जिसके फाउंडर प्लेटो ही थे प्लेटो अपनी स्कूल में यानी एकेडमी में फ़लसफा पढ़ाया करते थे मैथमेटिक्स पर डिस्कशन किया करते थे मेटाफिज़िक्स पर डिस्कशन होती थी इसके अलावा वो स्पोर्ट्स को भी ज़्यादा प्रेफर करते थे अपनी एकेडमी में लेकिन जो प्लेटो थे वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते थे कि होमर को जो कि ग्रीक पोइट हैं उनको निसाब के तौर पर पढ़ाया जाए होमर की एपिक्स को उस टाइम पर पढ़ाया जाता था निसाब के तौर पर इस चीज़ को प्लेटो ने बिल्कुल पसंद नहीं किया इन्होंने इसको निगलेक्ट किया और इसलिए इन्होंने पोइट्री पर कुछ अटैक्स किए थे कि जो पोइट्री है वो लोगों को वेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम की तरफ लेकर जा रही है इसके लिए इन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में हमें कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि एक लिटरेरी क्रिटिक होने के हवाले से हम देख सकते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में यह बात कही थी कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है वो स्पेसिफिक किसी वर्क या किसी राइटर के वर्क्स पर लिखा जाता है या किसी जॉनरा के बारे में क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस चीज़ को हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं इसी तरह सबसे पहले जो प्लेटो हैं इन्होंने पोइट्री पर अटैक किया पोइट्री और ड्रामा पर अब इन्होंने किस किस्म के अटैक किए इन्होंने पोइट्री को क्या कहा है पोइट्री को पसंद क्यों नहीं किया और जो कुछ भी इन्होंने पोइट्स के बारे में कहा है वो हम अभी डिस्कस करते हैं ये शॉर्ट सा बैकग्राउंड था क्योंकि जब भी हम कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं तो चाहे वो लिटरेरी वर्क हो या फ़िक्शनल वर्क हो या लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क हो तो इसमें सबसे पहले हम उसका बैकग्राउंड क्लियर करते हैं कि ये वर्क क्यों और किस लिए लिखा गया था अब अरिस्टोटल ने जो अपनी बुक लिखी थी पोइटिक्स अरिस्टोटल की पोइटिक्स में उन्होंने हमें जो बताया है कि जो पो पोइट्री है वो किस तरह होनी चाहिए ट्रेजेडी किस तरह होती है जो कुछ भी उन्होंने हमें बताया वो सब प्लाटो की रिपब्लिक पर बेस करती है इसलिए हम सबसे पहले लिटरेरी क्रिटिसिज्म में प्लाटो को डिस्कस कर रहे हैं प्लाटो ने रिपब्लिक जो कि इनकी बुक है स्पेशली इसकी बुक थ्री टू एंड टेन इसके अंदर इन्होंने हमें पोइट और पोइट्री के बारे में बताया है प्लेटो के जो व्यू हैं पोइट्री के बारे में वो तीन किस्म के हैं सबसे पहले वो कहते हैं इंस्पिरेशन की बात करते हैं उसके बाद इमिटेशन की बात करते हैं उसके बाद वो कंडमनीशन की बात करते हैं यानी कि रिपब्लिक में पोइट्स और पोइट्री के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो इन तीन मेजर पॉइंट्स को लेकर कहा गया है सबसे पहले इंस्पिरेशन के बारे में वो ये कहते हैं कि जो पोइट है जब भी अपने आ, कोई भी राइटिंग लिख रहा है कोई पोइट्री लिख रहा है तो उसको जो इंस्परेशन है वो कहाँ से आती है यानी कि आपके अंदर कोई भी काम करने का जो जज्बा होता है इसको हम इंस्परेशन कहते हैं इन द सेम केस जैसे पोइट कोई भी पोइट्री लिखते हैं तो उनके पास जो इंस्पिरेशन है वो जज्बा है वो कहाँ से आता है वो कहते हैं कि ये डिवाइन है ये गॉड गिफ्टेड नहीं होता यानी कि जो इंस्पिरेशन है वो पोइट को गॉड की तरफ से आती है क्योंकि एक जो असल आइडिया है रियल आइडिया है वो गॉड की तरफ से होता है और जो पोइट है वो गॉड से ये आइडिया बॉरो करता है उसको गॉड की तरफ़ से इंस्पिरेशन आती है या तो वो कोई बुक्स पढ़ता है या कुछ कोई चीज़ें देखता है तो उसके बाद उसको जो इंस्प्रेशन आती है वो अपनी पोइट्री लिखता है इसमें पोइट की कोई भी जो क्रिएटिविटी है वो नहीं है वो किसी भी चीज़ से इंस्पायर होता है उसके बाद वो उस चीज़ को लिख देता है इस चीज़ को वो प्लेटो इंस्परेशन के ऑफ व्यू में डिस्कस करते हैं इसके बाद वो कहते हैं इमिटेशन यानी वो कहते हैं कि पोइट्री इज जस्ट इमिटेशन यानी कि आर्ट ऑफ इमिटेशन की बात करती हैं कि जो पेंटर हैं और पोइट हैं वो पे, इस, पो, इस बुक में वो पेंटर्स और पोइट दोनों को क्रिटिसाइज करेंगे इमिटेशन में वो कहते हैं कि पोइट जो है वो इमिटेट करता है यानी कि जो चीज़ हमारे सामने रिटर्न फॉर्म में है या एग्जिस्टेंस फॉर्म में है वो इमिटेशन है वो थर्ड कॉपी है इसको वो कहते हैं थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी यानी कि जो पोइट है सबसे पहले यहाँ पर इनकी एक फिलॉसफी आती है एलिग्री ऑफ़ द केव जिसको हम आगे फर्दर अभी डिस्कस करते हैं वो एक सेपरेट टॉपिक है एलिग्री ऑफ़ द केव क्या है यहाँ पर हम इनका इमिटेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं इमिटेशन वो कहते हैं कि अगर एक पोइट या कोई पेंटर है यहाँ पर वो एक चेयर की एग्ज़ाम्पल देंगे कि एक चेयर जो आपके पास बनी हुई आती है तो ये जो आपके पास चेयर है ये थर्ड कॉपी है ये इमिटेशन की थर्ड कॉपी है फर्स्ट आइडिया जो था वो क्रिएटर जो हमारा गॉड है उसके माइंड में आया उसके बाद सेकेंड आइडिया जो था वो उस आइडिया को देखकर हमारे जो पोइट या पॉइंटर्स हैं पेंटर्स हैं उनके माइंड में आता है उसके बाद जो थर्ड आइडिया है उसके बारे में यानी कि जब पोइट ने आइडिया गॉड से लिया उसके बाद यानी पोइट या पोइट ने और फिर वो उसको एक एग्जिस्टेंस फॉर्म में लेकर आते हैं तो इस चीज़ को वो इमिटेशन कहते हैं यानी कि ये थर्ड कापी है हम रियलिटी की जो हमारा हमारी रियलिटी है हम उसके दो स्टेप गुजार के जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं ये इस चीज़ को वो इमिटेशन कहते हैं कि जो पोइट है वो इमिटेट करके अपनी चीज़ें लिखता है या पेंटर है वो किसी और को इमिटेट करके अपनी जो चीज़ें हैं उनको बनाता है इस चीज़ को वो इमिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस करते हैं इसके बाद वो कंडमनेशन की कंडमनेशन में वो पोइट poet और पोइट्री पर कुछ एलिगेशन लगाते हैं जो आके हम फर्दर लास्ट पर देखते हैं प्लाटो ने जो अटैक किए हैं वो तीन ग्राउंड्स पर किए हैं प्लेटो ने पोइट्रिक पर जो अटैक किए थे वो तीन ग्राउंड्स पर थे यानी मॉडल इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इन तीन ग्राउंड्स को लेकर इन्होंने पोइट्री को अटैक किया है कि पोइट्री सोसाइटी के लिए हार्मफुल क्यों है सबसे पहले वो मोरली डिस्कस करते हैं कि जो पोइट्री है वो लोगों को एथिक्स नहीं सिखाती है वो मोरलिटी नहीं सिखाती है वो इनको इमेजिनेशन की तरफ लेकर जाती है पोइट्स जो हैं वो लोगों को किसी भी किस्म के एथिक्स या मोरलिटी सिखाने के काबिल नहीं हैं इसके बाद वो कहते हैं इमोशनल ग्राउंड पर यानी कि जो पोइट्स होते हैं वो इमोशनल होते हैं किसी भी चीज़ को उन्होंने देखा इससे इंस्पायर हो गए और इस इस चीज को वो इमोशंस कहते हैं कि इमोशंस को वो फॉलो करते हैं और यही चीज वो आगे यूथ में ट्रांसफर करते हैं जिसको प्लेटो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि प्लेटो का मानना था जो उनकी एक आइडियल स्टेट थी जो एक आइडियल स्टेट बनाना चाह रहे थे उसके अंदर इन्होंने ये कहा था कि जो भी अरिस्टोक्रेट्स होंगे जो भी पॉलिटिशनस होंगे वो किसी भी किस्म के ऐसे इशू में या किसी भी किस्म की फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे ना ही और वो कहते थे कि जो भी पॉलिटिशियन बनेगा चाहे वो मेल हो या फीमेल हो ना तो वो अपनी फैमिली आगे बढ़ाएगा ना तो वो किसी से शादी करेगा ना तो उसके कोई बच्चे होंगे यानी कि वो खुद को बिल्कुल ही हर चीज़ों से अलग करके या तो सिर्फ फलसफे की तरफ जाएगा या फलासफर बनेगा या दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड वो सिर्फ पॉलिटिशन बनेगा इसके अलावा अगर कोई भी वो किसी और चीज को फॉलो करेगा यानी अपनी कोई वो फैमिली बनाना चाहता है कोई अपनी जायदाद बनाना चाहता है तो इस किस्म के काम पॉलिटिशियंस या फिलोसोफर नहीं करेंगे क्योंकि उनका मानना था ये सब चीज़ें इंसान को टेंशन की तरफ लेकर जाती हैं और एक पोइट या पोलिटिशन को टेंशन से फ्री होकर अपना काम आगे करना चाहिए यानी वो बिल्कुल ही उसको इमोशन लेस हो जाना चाहिए इस चीज़ को वो ये न, बताते हैं उसके बाद वो इंटेलेक्चुअल ग्राउंड पे हमें ये बताते हैं कि उनका जो थर्ड अटैक था वो इंटेलेक्चुअल ग्राउंड पे था इंटेलेक्चुअल ग्राउंड पे वो ये कहते हैं कि जो पोइट या पोइट्री है वो हमें किसी भी किस्म की इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ नहीं लेके जा रही इसके लिए वो वो फलसफ़े को फॉलो कर यहाँ पर वो फलसफ़े को प्रेफ़र करते हैं कि इंसान को फलासफ़ी पढ़नी चाहिए जो कि उसको उसका जो ताल्लुक़ है कुदरत की तरफ उसके खुदा की तरफ उस चीज़ को वो उसको बताए कि उसकी क्रिएशन कब कैसे क्यों हुई ना कि ये कि वो पोइट्री पढ़ के ख़ुद को इ, सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग कर ले या इमोशंस उसके अंदर आ जाएं इस चीज़ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं इसके बाद जो उन्होंने फंक्शन बताया है पोइट्री के बारे में पोइट्री इज़ नॉट जस्ट टू ऑफर प्लेयर यानी कि वो कह रहे हैं कि पोइट्री का फंक्शन ये है कि पोइट्री जो है वो हमें जस्ट प्लेयर ना दे बल्कि यहाँ पर वो थोड़े से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर देते हैं कि वो बिल्कुल ही इसको कभी निकलेक्ट नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर पोइट्स या पोइट्री पोईट्र, पोइट्री लोगों को मोरालिटी सिखा रही है इंटेलेक्चुअलिटी सिखा रही है उनको एजुकेट कर रही है तो डेट्स ओके ओके वो उसको फॉलो करेंगे लेकिन अगर वो सिर्फ लेयर के लिए हैं तो वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे ग्रीक में ये ट्रेडिशन थी कि जो भी फ़िलासफ़र था वो इस तरह दिखाई देता था कि जस्ट लाइक इन बैगर्स कि जिस तरह के बैगर्स होते हैं इनको जिनको के हम आ, इस सेंस में ले सकते हैं कि जो बैगर्स होते हैं इन इनके अपनी फिजिकल अपेरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी ड्रेसिंग से उनके खाने पीने से उनके रहन सहन से किसी भी चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ता बस वो फिलोसोफर बनना चाहते हैं और वो दुनिया के नए नए एक्सपेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं इसी तरह वो कहते हैं कि पोइट्री जो है हमें से प्लेयर ना दे इट शुड इट शुड टीच सम मोरल्स यानी कि वो हमें अगर पोइट्री है तो वो हमें कुछ मोरालिटी सिखाए इट शुड कंट्रीब्यूट टू नॉलेज यानी कि वो हमारी नॉलेज को इनहेंस करने में मदद दे पोइट शुड आल्सो बी गुड टीचर पोइट को वो टीचर और पोइट्री को वो यानी कि वो हमें ये बता रहे हैं कि जो पोइट अगर पोइट बनना चाहता है और एक अच्छा पोइट बनना चाहता है तो उसके लिए उसको चाहिए कि वो एक गुड टीचर बने यानी कि अपनी पोइट्री के थ्रू वो लोगों को सिखाए ना कि उनको बिगाड़े जैसे कि वो यूथ की एग्जाम्पल देंगे हमें यहाँ पर अब इन्होंने फोर एलिगेशन पोइट्री पर क्या लगाए थे इसके लिए वो ये कहते हैं कि पोइट्स एंड पेंटर्स ट्राइस रिमूव फ्राम रियलिटी एक हम वर्ड जानते हैं ट्वाइस एर एक होता है यहाँ पर उन्होंने ट्वाइस की जगह च्रॉइस वर्ड यूज़ किया है कि जो पोइट्स और पेंटर हैं वो चॉइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी हैं हमें रियलिटी से तीन गुना दूर वो लोग ले जाते हैं अब इसमें वो सबसे पहला एलिगेशन क्या लगाते हैं इन चार एलिगेशन्स को ही अरिस्टोटल डिफेंस करेंगे अपनी पोइट्री में इसीलिए हम प्लेटो को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर हम अरिस्टोटल को पढ़ेंगे और उसका बैकग्राउंड हमें ना पता हो तो हमें अरिस्टोटल का जो क्रिटिसिज्म है वो बिल्कुल समझ नहीं आएगा वो फर्स्ट जो एलिगेशन लगाते हैं पोइट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम वो कहते हैं कि पोइट्री जो है वो जस्ट लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम है ये इंसानों का टाइम वेस्ट कर रही है इससे किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा सेकेंड एलिगेशन वो लगाते हैं पोइट्री इज अ एक्साग्रेशन या एग्जाग्रेशन का मतलब होता है या, यानी कि हाइपरबोल हाइबर बोल में ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को उसकी असल रियलिटी से कई गुना बढ़कर एक्सप्लेन करते हैं उसकी तारीफ करते हैं उसको बताते हैं जैसे कि हम जानते हैं पोइट्री में हमें जैसे कि पोइट्स हों कोई भी चीज़ देखते हैं एक पोइट की देखने की आँख और एक आम इंसान को उस चीज़ को देखने की आंख यानी इन दोनों में डिफ़्रेंस होता है एक राइटर जो होता है वो जब अपना कोई वर्क लिख रहा है तो इसके अंदर वो उस चीज़ की खूबसूरती को इस तरह बढ़ा चढ़ा के बयान करता है जो कि रियल में ही ना हो ये प्लेटो प्लेटो के, के अकॉर्डिंग है इस चीज़ को वो कहते हैं कि पोइट्री इज अ पोइट्री इज ऐग्जाग्रेशन के ये जस्ट एग्जाग्रेशन है हमें रियलिटी से बहुत दूर ले जाती है पोइट्री पोइट्री एज अर्स ऑफ अब्यूज़ यानी कि पोइट्री को वो नर्स ऑफ अब्यूज कहते हैं कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ गलत चीज़ें सिखा रही है इससे हमें किसी भी किस्म की मोरालिटी सीखने को नहीं मिलेगी पोइट्स शुड बी इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट कोटेशन है पोइट्स शुड बी बैनिश फ्रॉम आइडियल स्टेट वो कहते हैं कि मैं अपनी आइडियल स्टेट से पोइट्स को और पोइट्री को बैनिश पोइट्स को बैनिश कर दूंगा यानी कि जो उन्होंने स्टेट बनानी थी आइडियल स्टेट जिसके बारे में इन्होंने अपनी डिफरेंट थेरीज भी दी हैं जिसमें थेरी ऑफ नॉलेज है एलिग्री ऑफ द केव है इन्होंने रिपब्लिक बुक लिखी पॉलिटिशंस पॉलिटिकल पौ, साइंस पे बहुत कुछ लिखा इसके हवाले से वो ये बताते हैं कि जो मेरी आइडियल स्टेट होगी उसके अंदर मैं पोइट्स को बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगा मैं इनको अपनी स्टेट से बैनिश कर दूँगा हाँ अगर उस आ मैं उस सेंस में इनको इंक्लूड करूंगा अगर तो कोई भी इनका डिफेंस कर सके यानी कि अगर इनके डिफेंस में हम मुझे कोई भी एक पॉइंट भी बता दे कि इनको किस वजह से मैं अपनी स्टेट में एंटर करूँ तो मैं इनको अपनी स्टेट में एंटर करूँगा अदरवाइज वो पॉइंट्स को बैनिश कर देते हैं ये इनका मेजर सा कॉन्सेप्ट था जो कि इन्होंने रिपब्लिक बुक में हमें दिया कि कुछ एलिगेशन इन्होंने पोइट्री की तरफ लगाए थे कि पोइट्स और पोईट्र, जो पोइट्री है वो बिल्कुल भी हार्मफुल है सोसाइटी के लिए इनको पोइट्स को किसी भी आइडियल स्टेट में दाखिल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लोगों को मोरालिटी नहीं सिखाते हैं एजुकेशन नहीं देते हैं लोगों की इंटलेक्चुअलिटी को इन्हांस नहीं करते इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन में इनका एक मेजर सा कॉन्सैप्ट है एलिग्री ऑफ द केव इसको डिस्कस करते हैं कि इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट या इस फ़िलासफ़ी में हमें क्या समझाने की कोशिश की है